के साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा के इस स्पेशल एडिशन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर के साथ। खबर यह है कि इसराइल और ईरान में ठन गई, वजह बना परमाणु हथियार और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का एक धमकी भरा बयान, वो भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सबसे बड़े मंच से। नेतन्याहू ने वार्निंग दी, ये धमकी दी कि जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए इसराइल अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। बस फिर क्या था, ईरान ने भी करारा जवाब दे डाला। वीडियो नंबर एक, वीडियो नंबर दो, तो बस वानगी है। ईरान इसराइल में खौफ भरने के लिए ऐसे कई वीडियो रिलीज कर चुका है। ये वीडियो इसराइल के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। ईरान ने इसराइल को खुली धमकी दे रखी है। अगर उसने ईरान के परमाणु ठिकानों की तरफ देखा तो उसके शहर तेल अवीव को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के मीडिया की तरफ से जारी किए गए ये वीडियो एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ईरान के मिसाइलों ने मोर्चा संभाल रखा है। ईरान की मीडिया के मुताबिक इन मिसाइलों के निशाने पर इसराइल का तेल अवीव शहर था। कहा गया कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो इसराइल का शहर तेल अवीव मलबे में बदल जाएगा। इसराइल को धमकी दी गई है कि उसके हमला करने वाले विमानों को उतरने के लिए जमीन तक नहीं बचेगी, यानी अगर वो हमले के बाद बचकर लौट भी गए तो इसराइल में लैंड नहीं कर पाएंगे। ईरान इसराइल की बरसों पुरानी दुश्मनी बहुत ही खतरनाक मुकाम पर पहुंच गई है। वजह बना है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ईरान को दी गई सीधी धमकी। ईरान्स न्यूक्लियर एंबिशंस, दिस पॉलिसी मस्ट change. Sanctions must be snapped back. And above all, Iran must face a credible nuclear threat. As long as I'm Prime Minister of Israel, I will do everything in my power to prevent Iran from getting nuclear weapons. सुना आपने, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को परमाणु धमकी दे डाली। नेतन्याहू ने ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने की बात कही। सिर्फ इतना ही नहीं, नेतन्याहू यहाँ तक धमका गए कि उनके रहते ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा। ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए इसराइल अपनी पूरी ताकत लगा देगा। इसराइल की सैन्य शक्ति दुनिया से छिपी नहीं, इसराइल हर ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उससे सीधा पंगा ले सके। इसके पीछे इसराइल की ताकतवर सेना है, इसराइल के घातक हथियार है, इसराइल के परमाणु हथियार है। लेकिन इसराइल अरसे से अपने परमाणु हथियारों पर खुलकर बोलने से बचता आया है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट बताती है कि इसराइल 1950 से गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने में लगा था, दुनिया से छिपकर परमाणु बम बनाने में लगा था। 29 साल बाद उसे तब कामयाबी मिली जब 22 सितंबर 1979 को रहस्यमयी परमाणु परीक्षण किया। दावा तो ये भी किया जाता है कि इसराइल में परमाणु मिसाइलों के लिए ऐसे साइलो बने हुए हैं जहां परमाणु मिसाइलों को लगाया गया है। इन साइलो की गहराई करीब 170 फीट है। साइलो का भूमिगत परिसर तीन हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से में मुख्य साइलो है जो मिसाइल का लॉन्च पैड है, यहीं परमाणु बम से लैस मिसाइलें भी रखी जाएंगी। दूसरा हिस्सा मास्टर कंट्रोल रूम होता है जहां मिसाइल लॉन्च का बटन होगा। तीसरे हिस्से में मिसाइल सेंटर में काम करने वालों के क्वार्टर बने हैं, इसमें पानी, बिजली और सीवेज सिस्टम है। पूरे भूमिगत परिसर को परमाणु हमले का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इसराइल के शांत रेगिस्तान में
निगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इसराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियारों का जखीरा है, लेकिन इसराइल ने कभी भी खुद को परमाणु हथियारों से संपन्न देश नहीं बताया है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के परमाणु धमकी वाले बयान को उनके ही कार्यालय ने तुरंत वापस ले लिया। नेतन्याहू के दफ्तर से एक बयान जारी कर सफाई दी गई है, जिसमें कहा गया है कि तैयार भाषण में परमाणु खतरे की बजाय सैन्य खतरा लिखा हुआ था और प्रधानमंत्री भाषण के मूल पाठ पर कायम है। वहीं दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने यूरेनियम की एक बड़ी खेप को इकट्ठा कर लिया है। दावे के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम का जो जखीरा जमा किया है उसे इतना संवर्धित कर लिया है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है और IAEA के मुताबिक ईरान 83.7% संवर्धित यूरेनियम हासिल कर चुका है, यानी वो एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में हुए परमाणु समझौते के बाद ईरान के यूरेनियम का भंडार कई गुना बढ़ चुका है। हालांकि उस डील में ईरान के यूरेनियम के भंडार की लिमिट तय की गई थी। IAEA की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 15 मई 2022 तक ईरान का कुल यूरेनियम 3809 किलो तक पाया गया, जो कि अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों के साथ हुए ईरान की परमाणु डील में तय की गई सीमा से 18 गुना से भी ज्यादा है। हालांकि अब तक ईरान इस रिपोर्ट को नकारता रहा है, लेकिन इसराइल से मिली धमकी के बाद वो भड़का हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिम एशिया में इसराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही हमेशा एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। हाल ही में ईरान एक खास परेड कर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखा चुका है। ईरान ने हाल ही में अपनी एक नई मिसाइल का टेस्ट करके बता दिया कि वो इसराइल को मिट्टी में मिला सकता है। इससे आप ईरान के तेवर को समझ सकते हैं। ये ईरान की नई मिसाइल खुर्रम शहर 4 है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जा रही है। खुर्रम शहर 4 की मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। खुर्रम शहर 4 इतनी सटीक है कि मिसाइल अपने टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है। 13 मीटर लंबी इस मिसाइल को लॉन्चिंग के दौरान ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है यानी टर्मिनल स्टेज में, इस मिसाइल की रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसराइल के किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस मिसाइल के साथ अपना बहुत खास वीडियो भी शूट कराया है। मिसाइल के बाद अब ईरान के इस खास ड्रोन को देख लीजिए, जो इसराइल के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। हाल ही में इस ड्रोन को लॉन्च करके ईरान ने अमेरिका और इसराइल को बहुत बड़ी बॉन्डिंग दी है। सवाल है, आखिर इस नए ड्रोन को लेकर ईरान का आत्मविश्वास इतना क्यों बढ़ गया है? आगे बढ़ने से पहले इसका जवाब जान लीजिए। ये ड्रोन गाइडेड बम से लैस है। ये ड्रोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है। इस ड्रोन का नाम है मुहाजिर 10 और यही ड्रोन पूरी दुनिया को दिखाकर ईरान ने दो देशों को बहुत ही खतरनाक चुनौती दे दी है। एक है अमेरिका और दूसरा है इसराइल। दोनों ही ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। ईरान के डिफेंस शो में मुजाहिद 10 को जब दुनिया के सामने लाया गया तो इसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 ड्रोन से की जाने लगी। MQ-9, जिसे प्रीडेटर बी ड्रोन भी कहा जाता है, ये वो ड्रोन है जिससे अमेरिका ने अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में अपने बड़े बड़े टारगेट को खत्म किया है। इसमें अलकायदा का चीफ अल ज़वाहिरी भी शामिल था, लेकिन अब इसी ड्रोन की नकल बनाकर ईरान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ईरान और इसराइल की दूरी 1800 किलोमीटर है और ईरान का यह दावा है कि मुहाजिर 10 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है, यानी इसराइल एक तरफा उड़ान भर सकता है और वहां एक कामिकाजे ड्रोन की तरह यह हमला कर सकता है। और इसी बात को लेकर अमेरिका और इसराइल घबराए हुए हैं। अगर आप दूरी देखेंगे तो देखिए मात्र 1800 किलोमीटर है और इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो वो 2000 किलोमीटर की है, यानी क्योंकि इसी ड्रोन के साथ ईरान का पहला टारगेट
बनेंगे अमेरिका और इसराइल और उनके सैन्य अड्डे भी बनेंगे। मुहाजिर 10 ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और ये 24 घंटे तक आसमान में मंडरा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि मुहाजिर 10 ड्रोन 300 किलो वजन तक की मिसाइल और बम अपने साथ लेकर उड़ सकता है और यही वजह है कि इसराइल और अमेरिका लगातार घबराए हुए हैं। ईरान के ड्रोन की रेंज बढ़ती जा रही है और अब इनकी जद में पश्चिम एशिया के वो इलाके भी आ रहे हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं और वो इस ड्रोन को लेकर काफी बौखलाए हुए हैं। ईरान की ऐसी ही ड्रोन पावर को काउंटर करने के लिए इजराइल अब लगातार अपने आयरन डोम जैसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने पर मजबूर हो गया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ईरान को धमकी देकर नेतन्याहू ने खाड़ी के एक हिस्से को खौला दिया है। पश्चिम एशिया युद्ध की आग में किसी भी वक्त यहां पर लग सकता है। भारत ने भी अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली और इसका एक वीडियो सेना ने बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से सामने आया है। आपको ले चलते हैं तमिलनाडु के राजाली एयरबेस जहां की तैयारी देखकर पाकिस्तान और चीन बहुत परेशान हो गए हैं। ये खामोश शिकारी है, ये घात लगाता है, दुश्मन पर लगातार नजर रखता है और जब हमले का वक्त आता है तो ये चूकता बिल्कुल नहीं। ये है भारतीय नौसेना का MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन, इसे सी गार्डियन भी कहा जाता है। ये पहली बार है जब नौसेना ने अपनी इस ताकत की तस्वीर दुनिया को दिखाई है। ये ड्रोन हजारों मीटर की ऊंचाई से सरहदों की निगरानी करता है और अब बहुत जल्द दुश्मन की पनडुब्बी को डुबोने में काम आएगा। नौसेना में 3 साल ऑपरेट करने के बाद ये ड्रोन 13,000 घंटे के मिशन पूरे कर चुका है। भारत ने अमेरिका से ऐसे 2 ड्रोन लीज पर लिए थे और अब ये ड्रोन हिंद महासागर की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। इसको शिकारी क्यों कहा जाता है, इसे घात लगाकर हमला करने वाला शेर क्यों कहा जा रहा है, इसे भारतीय सेना की सबसे नई और सबसे आधुनिक ताकत क्यों कहा जा रहा है, इसके लिए देखिए राजाली एयरबेस से ये रिपोर्ट जहां ये प्रीडेटर ड्रोन तैनात है। यहां से ये हजारों किलोमीटर तक समंदर यानी हिंद महासागर पर निगाह रखते हैं। इन ड्रोन का खौफ अमेरिका के दुश्मनों में बहुत ज्यादा रहा है। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और यमन तक अमेरिका ने अपने कई दुश्मन इसी ड्रोन से निपटाए हैं। अब ये ड्रोन भारत के पास भी है, इसका अटैक वर्जन भी भारत जल्द ही अमेरिका से खरीदने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा। इसमें 15 ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए होंगे, इसमें 8 ड्रोन एयरफोर्स के लिए होंगे और 8 ही ड्रोन आर्मी यानी थल सेना ऑपरेट करेगी। ये ड्रोन गाइडेड मिसाइल और लेजर बम से लैस होंगे और निगरानी के साथ दुश्मन पर हमला भी करेंगे। इंडिया हैज वास्ट EEZ ऑफ 2.37 मिलियन स्क्वायर नॉटिकल माइल्स एंड अराउंड 80% ऑफ द वर्ल्ड्स मैरिटाइम ऑयल पासेस थ्रू द इंडियन ओशन। इंडियन नेवी हैज अ नीड टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द EEZ while ensuring the lawful use of the high seas. 15 of these aircraft will provide the Indian Navy to cost effectively maintain a strict vigil over the areas. जब से भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B के अटैक वर्जन को लेकर बात हुई, दो देश बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। जाहिर है इनका नाम है पाकिस्तान और चीन। इन दोनों मुल्कों में MQ-9B ड्रोन की ताकत पर बहस हो रही है, इससे बचने की तरकीब खोजी जा रही है। युद्ध के हालात में ये ड्रोन LOC के पार POK में भी अटैक करेगा। ये ड्रोन LOC के पास चीन के अड्डों को भी नहीं बख्शेगा और समंदर में ये चीन और पाकिस्तान के जंगी जहाजों और पनडुब्बियों पर हमले का पूरा माहौल तैयार कर देगा।
ये ड्रोन अभी तमिलनाडु के राजाली एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। आर्मी और एयरफोर्स के पास आने के बाद इन ड्रोन्स को उत्तर भारत और बाकी हिस्सों में भी तैनात किया जाएगा। ये ड्रोन हजारों किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकते हैं और सबसे खास बात, अगर मिशन नाकाम होता है तो कंट्रोल रूम से इसे ऑपरेट कर रहा पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। MQ-9B प्रेडेटर दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ड्रोन 8000 किलोमीटर की रेंज में 30 घंटे तक मंडरा सकता है, यानी कि देखिए इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है और 50,000 फीट तक की उड़ान भी भर सकता है। और ये 50,000 फीट तक अगर उड़ान भरेगा तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ तहस नहस कर सकता है, एक बड़ी तबाही मचा सकता है। यानी 15,000 मीटर तक ये पहुंच सकता है और ये 2,000 किलो तक के बम और मिसाइल भी ले जा सकता है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल है और लेजर गाइडेड बम भी इसमें शामिल है। ये ड्रोन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और कम वजन इसका होगा तो रफ्तार और ज्यादा तेज होगी। यानी देखिए कितना खतरनाक ये हो सकता है और यही बातें इसको और ज्यादा बेहद खास बनाती हैं। इसमें हाई डेफिनेशन कैमरा भी लगा हुआ है, जो जमीन हो या फिर समंदर की सतह उसकी निगरानी आराम से कर सकता है और वीडियो कमांड सेंटर तक ये भेज सकता है ताकि दुश्मन को पहचाना जा सके। और अब नौसेना के पास जो ड्रोन है उसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल किया जाएगा और ये इसका निगरानी करने वाला वर्जन सी गार्डियन ड्रोन है और इसमें ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा जो पनडुब्बियों को ट्रैक कर सके। नौसेना के लिए जो MQ-9B ड्रोन है उसमें जल्द ही सोनार वाला सिस्टम लगाया जाएगा जिससे ये ड्रोन समंदर की सतह के नीचे पनडुब्बियों को भी ट्रैक करेगा। जब दुश्मन की पनडुब्बी हिंद महासागर में भारत के इलाके के आसपास भी मंडराने की कोशिश करेगी तो ये ड्रोन उसका पता बहुत आराम से लगा लेगा। इसके लिए इस ड्रोन में सोनोबॉय वाला सिस्टम लगा होगा जो समंदर में सोनोबॉय लॉन्च करेगा। ये सोनोबॉय पनडुब्बियों के सोनार सिग्नेचर यानी उसकी आवाज को ट्रैक करके कमांड सेंटर तक जानकारी पहुंचाएंगे और फिर नजदीकी जंगी जहाजों या फिर P-8I जैसे टोही विमानों से टॉर्पिडो लॉन्च किया जाएगा। ऐसे ही दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। As previously mentioned, the aircraft with its max altitude of 40,000 feet and endurance of 30 plus hours, it has the capability to provide real-time video and can be deployed as an airborne outpost guarding the Indian border. एक तरह से चीन को समंदर में सैनिटाइज करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सोच रहे होंगे कि कमरों को सैनिटाइज किया जा सकता है, घरों को सैनिटाइज किया जा सकता है, एक मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा सकता है, लेकिन समंदर कैसे सैनिटाइज होगा वो भी चीन से। इसे समझने के लिए इस मैप पर जरा गौर कीजिएगा। ये दक्षिण चीन सागर है और इसके दक्षिण से एक रास्ता पहुंचता है बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर। अगर चीन की नौसेना भारत पर अटैक करना चाहेगी तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करेगी जिसे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। ये करीब 1000 किलोमीटर लंबा लेकिन महज 200 मीटर तक गहरा समुद्री गलियारा है। ट्रेड रूट की वजह से ये चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, लेकिन इसके एग्जिट पॉइंट यानी जहां से गलियारा हिंद महासागर में खुलता है वहां भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा पहरा हमेशा लगा रहता है। भारत को चीन को यहीं पर रोकना होगा और अगर ऐसा हुआ तो चीन का गेम खत्म हो जाएगा। ये काम कैसे होगा इसे हम आपको तफसील से बताएंगे जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि चीन की नौसेना अगर भारत की तरफ इस गलियारे में घुस भी गई तो जिंदा वापस नहीं लौटेगी। फिर चाहे क्यों ना चीन 350 जंगी जहाजों की नेवी बन चुका हो और अब 3 कैरियर वाली नेवी बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वो अब भी अपने कैरियर बैटल ग्रुप हिंद महासागर में लाने की गलती नहीं करेगा। इसकी बड़ी वजह भारत की निगरानी क्षमता है जो MQ-9B ड्रोन से कई गुना बढ़ गई है। सवाल है कि क्या चीन अपने कैरियर बैटल ग्रुप लेकर भारत के इलाके में दाखिल होने की हिम्मत करेगा। इसे समझने के लिए आपको भारत की कैरियर वॉरफेयर की तैयारी और उसके कुछ चुनिंदा हथियारों पर नजर डालनी होगी। ये हथियार समंदर की सतह पर भी होंगे, ये हथियार आसमान में भी होंगे और ये हथियार समंदर की गहराई में भी ऑपरेट करेंगे।
लेकिन दिखाई नहीं देंगे। चीन को दूर रखने के लिए डिटरेंट को लागू करने में तीन फैक्टर बड़ा काम करेंगे। पहला, जियोग्राफी। चीन की नेवल पावर दक्षिण चीन सागर तक महदूद रह जाती है। हिंद महासागर में पहुंचने के लिए उसके सामने मलक्का स्ट्रेट जैसा टोल प्लाजा खड़ा है। चीन का इसे क्रॉस करना भारत के लिए रेड लाइन होगा। दूसरा, भारत की A2AD वाली स्ट्रैटेजी, जो चीन दक्षिण चीन सागर में अपनाता है, यानी हिंद महासागर भारत का इलाका है और यहाँ भारतीय नौसेना का दायरा काफी बड़ा है। A2AD का मतलब है एंटी एक्सेस एरिया डिनायल। नौसेना में इसे एक इलाके को इस तरह सैनिटाइज करना कहते हैं कि दूसरी नेवी इसमें दाखिल ना हो पाए, और ये स्ट्रैटेजी तीसरे फैक्टर की मदद से तैयार की जाती है। तीसरा फैक्टर है भारत के फोर्स मल्टीप्लायर। भारत के पास ब्रह्मोस से लैस सुखोई विमान है, हार्पून मिसाइल से लैस P-8I जैसी सबमरीन हंटर विमान है। कनाडा के लिए खालिस्तान का खेल अब उसके लिए आग साबित हो रहा है, जो कनाडा भारत के एजेंटों पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर आरोप लगा रहा है। वही कनाडा खालिस्तानियों के गदर से खौफ में आ गया है। दावा यह किया जा रहा है कि भारत ने खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। झुकेगा कनाडा, झुकाने वाला आ गया। ये आज का कनाडा है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तानी आग से खेल रहा है। ये आज का कनाडा है, जो भारत को खालिस्तानी आग में जलाने की साजिश रच रहा है। कनाडा में भारत का तिरंगा झंडा जलाया जा रहा है। ये आज का कनाडा है, जहां भारत के दूतावासों को घेरा जा रहा है। हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले ये कनाडा के वही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके रहने के लिए खालिस्तानी आतंकियों को खुदा मानने लगे हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. खालिस्तान को हथियार बनाकर कनाडा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। खालिस्तान के नाम पर मुट्ठी भर सिरफिरों के चक्कर में ट्रूडो ने अपनी मिट्टी पलीत करा ली है। जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी खेल अब पाकिस्तानी साजिश से जुड़ता जा रहा है। खबर तो यहां तक आने लगी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई। अब आप जरा ये देखिए कि कैसे एक आतंकी की हत्या को कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ खालिस्तानी हथियार बनाने की कोशिश की है। ISI की खालिस्तानी साजिश, कनाडा बना पाकिस्तान। सितंबर को कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप भारतीय एजेंट्स पर लगाए। 20 सितंबर को खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी। 25 सितंबर को खालिस्तानी समर्थकों ने वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने तिरंगे को फाड़ दिया। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने कनाडा के प्रधानमंत्री के खालिस्तानी बयान पर पलटवार किया है, उससे खालिस्तानी आतंकियों के साथ साथ कनाडा भी बौखला गया है। UN जनरल असेंबली में भारत के विदेश मंत्री S. जयशंकर के संबोधन के बाद कनाडा की तरफ से भी बयान आया है।
एस जयशंकर ने 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर नाम लिए बिना ही कनाडा और वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को संदेश दे दिया था, जिसके बाद इसी मंच से यूएन में कनाडा के स्थायी प्रतिनिधि बॉब रे की प्रतिक्रिया सामने आई है। बॉब रे के मुताबिक विदेशी हस्तक्षेप के कारण उनके देश का लोकतंत्र खतरे में है। बॉब रे ने यह भी कहा, हम राजनीतिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों के नियमों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। कनाडा में विदेशी हस्तक्षेप के विभिन्न माध्यमों से लोकतंत्र किस हद तक खतरे में है। बॉब रे ने यह भी कहा, कनाडा राजनीतिक लाभ के लिए झुकेगा नहीं। यूएन में कनाडा के स्थायी प्रतिनिधि बॉब रे को ऐसा बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि 26 सितंबर को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएन में कनाडा और खालिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में एस जयशंकर ने साफ कहा, वो दिन चले गए जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और दूसरे देशों से उसके हिसाब से चलने की उम्मीद करते थे। विदेश मंत्री जयशंकर ने पलटवार करते हुए ये भी कहा, हालांकि अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो एजेंडा को शेप देते हैं और नियमों को गढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे भारत सरकार ने एक तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री की बोलती बंद कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ एनआईए ने 7 राज्यों में 51 जगह पर जबरदस्त छापेमारी करके खालिस्तानियों की कमर तोड़ कर रख दी है। कनाडा भले ही कहे कि वो भारत के आगे झुकेगा नहीं, लेकिन भारत ने कनाडा को झुका दिया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कहा है कि कनाडा ने कुछ भी स्पेसिफिक जानकारी शेयर नहीं की है। कनाडा को लताड़ते हुए जयशंकर ने दो टूक कहा कि कनाडा में पिछले कुछ सालों के भीतर अलगाववादी ताकतों के चलते काफी हिंसा हुई है। जयशंकर ने यहां तक कहा कि हमने कनाडा से चलने वाले संगठित अपराध और उसके नेतृत्व के बारे में काफी जानकारी दी है। प्रत्यर्पण की कई रिक्वेस्ट भी पेंडिंग है। कई आतंकवादी नेताओं की भी पहचान हुई है, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों के वोट बैंक के लालच में कनाडा आंखें मूंदे बैठा है। Actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. जब से भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को निलंबित किया है, कनाडा में कोहराम मच गया है। खालिस्तानी आतंकियों और उनके रिश्तेदारों को अब हिंदुस्तान की बहुत याद आने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि जो खालिस्तानी आतंकी कनाडा में खुलेआम बेखौफ दहाड़े मारते हुए भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, वो भारत के एक्शन के बाद से भारत के दूतावासों के बाहर बहुत कम संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंकी पन्नू भले ही हिंदुओं को कनाडा से भगाने की धमकी दे रहा हो, लेकिन हकीकत में भारत ने खालिस्तानियों की अकल ठिकाने लगा दी है। इधर भारत के अंदर 7 राज्यों में एनआईए ने 50 जगहों पर जबरदस्त छापेमारी खालिस्तानियों की संपत्तियों पर की है, जिससे कनाडा में कोहराम मचा हुआ है। आतंकी और गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई 7 राज्यों में चल रही है। पंजाब के मोगा, भटिंडा और फिरोजपुर में एनआईए ने ताबड़तोड़ छापे मारे हैं, जबकि राजस्थान के 13 जिलों में भी एनआईए की रेड चल रही है। हनुमानगढ़, झुंझुनू, गंगानगर, जोधपुर सहित राजस्थान के 13 शहरों में एनआईए की रेड से हड़कंप मचा हुआ है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जयशंकर से। उन्होंने साफ तौर पर कनाडा को एक किस्म से शीशा दिखा दिया, आईना दिखा दिया है, और साफ तौर पर कहा कि पॉलिटिकल गेंस को मद्देनजर रखते हुए आप टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर सकते। उन्होंने बड़े साफ शब्द में कहा कि हमने कनाडा को हर प्रकार से इंफॉर्मेशन दिए, एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट किए, लेकिन उसको कनाडा हमेशा ही नज़रअंदाज करता रहा है, और अभी समय आ गया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
हमारे देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का ताल्लुक है, और जो हमारे देश के लिए खतरा है, जो हमारे देश के डिप्लोमेट्स को के लिए खतरा है, जो हमारी एम्बेसीज के लिए खतरा है, और हमारे क्या कहते हैं काउंसिल्स के लिए खतरा है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए खतरा है, हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं।